खरखोदा के सरकारी अस्पताल पर रूटीन चेकअप पर पहुंचे डीजी हेल्थ रणदीप सिंह पूनिया ने हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आपको बता दें कि अचानक से रूटीन चेकअप पर डीजी हेल्थ खरखोदा पहुंचे थे और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर खुलकर पत्रकारों के साथ बातचीत की। देखिए, खरखोदा से पहले मैं मुंडलाना और जागसी और एक हमारी और संस्था फिरोजपुर बांगड़ है, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए निकला हूँ। ये रूटीन के इंस्पेक्शन है जो हम सभी निदेशक स्तर के जो अधिकारी हैं उनको करने होते हैं। सर, उनमें से कई, हाँ जी बताइए सर, MBBS जो छात्र हैं उन पर एक बॉन्ड पॉलिसी थोपी गई है। कहा जा रहा है कि 40 लाख से घटाकर उसको 30 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि ये भी वो नहीं कर पाएंगे। तो हरियाणा सरकार की किस तरह की नीति है जो स्टूडेंट्स को भी यहाँ प्रताड़ना है? देखिए, वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से उसका कोई ताल्लुकात नहीं। मेडिकल जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनके अलग से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अलग से डिपार्टमेंट चल रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बारे में मैं कोई वक्तव्य आपको नहीं दे सकता। सर, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी है और जैसे अभी इलाके में IMT विकसित हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं देखी जा रही हैं, तो किस तरह से इसको अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा या इनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी? देखिए, हरियाणा सरकार का जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमने एक निरोगी हरियाणा एक स्कीम हरियाणा सरकार ने लागू की, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 1,80,000 तक की जो इनकम के लोग हैं उन सभी के हम स्वास्थ्य चेकअप सघन रूप से उनके स्वास्थ्य चेकअप करेंगे 2 साल में कम से कम एक बार। यानी कि ये मानिए कि 1/3 से भी अधिक करीबन 40% पॉपुलेशन जो हरियाणा की है उसको हम स्क्रीन कर देंगे कि उनको कोई स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उसका मुफ्त में उपचार किया जाएगा। तो ये कोई छोटी स्कीम नहीं, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो शुरुआत राष्ट्रपति महोदय ने कुरुक्षेत्र से की और लगातार जारी है। वर्तमान में हम ये सिर्फ जिला हेडक्वार्टर पे या SDH अस्पताल जहाँ ई उपचार सुविधा वहाँ कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको थर्ड फेज तक हम हर उस 5,000 की पॉपुलेशन तक इसको भेजेंगे इस योजना के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने गांव के सराउंडिंग एरिया 2-3 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा ये सुविधा प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जैसे आपने IMT का जिक्र किया है कि हरियाणा वैसे भी बहुत प्रगतिशील राज्य है और यहाँ बहुत से हाईवेज निकल रहे हैं, आपका रेल का कॉरिडोर आ रहा है, आपका मेट्रो कॉरिडोर आ रहा है, उससे को मद्देनज़र रखते हुए भी हरियाणा सरकार ने GIS मैपिंग कर रही है हमारी संस्थाओं की। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय अनिल विज जी ने आदेश दिए हैं जो कि प्रोसेस में है, अभी हमारा जल्द ही कोई एजेंसी फाइनल होगी। GIS मैपिंग का मतलब है कि वर्तमान में जो हमारी संस्थाएँ हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और पॉपुलेशन कितनी कैटर कर रही हो, तो आगे भविष्य में उसका असेसमेंट जरूरत जो गैप असेसमेंट हो जाएगा कि हो सकता है कहीं एक PHC की ज़रूरत वहाँ नहीं है और एक जहाँ नहीं है वहाँ 2 बन गई होंगी, तो इससे गैप असेसमेंट के बाद में जो भी ज़रूरी होगा हमारी पब्लिक के लिए उसी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो PHC है, SWC है, CHC है, सब डिविजन हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारे तैयार किए जाएंगे और आने वाले 1 साल में पूरा रोड मैप तैयार होकर के और ये पूरा हो जाएगा। गैप असेसमेंट के बाद कहाँ क्या बनना है ये भी तय हो जाएगा। सर, ग्रामीण इलाकों में जो ईंट भट्टे हैं वहाँ पे मजदूरी काफ़ी लोग करने आते हैं बाहर से, प्रवासी मजदूर हैं वो लोग, और यहाँ प्राय देखने में मिलता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो भट्टों पर जाकर सुविधाएं देने में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में भी लूट का हिस्सा वो लोग करते हैं और सरकारी अस्पतालों तक वो मरीज नहीं पहुंच पाते और ना ही उनका लाभ वो उठा पाते हैं, तो इस पर रोक के लिए क्या? देखिए, इसके लिए सरकार ने 59 मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरू की है, जिनमें से अभी आपके यहाँ मैं मुंडलाना में गया था वहाँ भी 2 महीने के लिए खड़ी है, उनको ऐसी जगहों में भेजा जाएगा मेडिकल मोबाइल यूनिट को जो भट्टे ईंट भट्टे हैं या कोई छोटी जगह है जहाँ तक स्वास्थ्य संस्थाएँ या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ तक पहुँचना उनका शहर तक पहुँचना या हमारा वहाँ तक पहुँचना थोड़ा दुर्गम है,
उसके लिए सिविल सर्जन संबंधित जो हैं वो सारे रोस्टर बना रहे हैं अपनी जगह करके, और उन पर सभी प्रकार की सुविधाएं दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि शुरुआत हो चुकी है। आने वाले टाइम में वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, दूसरे हल्कों में देखने को मिलेंगे। सर, कई लोकल संस्थाएं हैं जो झोला छाप डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, अपने लाइसेंस जारी करती हैं, जबकि झोला छाप डॉक्टर किस तरह का मेडिकल ज्ञान नहीं रखते, किस तरह की दवाइयों की जानकारी उनको नहीं होती, तो उन संस्थाओं पर छापेमारी के लिए क्या किया? देखिए, डॉक्टर रजिस्टर्ड है, क्वालिफाइड है या नहीं है, ये सब देखना हमारे जो सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका दायित्व है, और उनको हम समय समय पर निर्देशित भी करते रहे हैं और कर रहे हैं कि वो उनके संज्ञान में ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है और जनता को गुमराह कर रहा है या जनता के साथ की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में वो लाएंगे।